सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐप की धूम मची हुई है। नाम है रीफेस ऐप। इस ऐप के जरिए आप किसी सेलिब्रिटी के शरीर पर अपना चेहरा लगा सकते हैं। इस ऐप में कुछ क्लिप्स पहले से ही दी गई हैं, जैसे शकीरा का डांस करते हुए वीडियो या टाइटैनिक फिल्म में जैक और रोज का एक सीन। इनमें आप अपने चेहरे की तस्वीर डालकर ऐप के जरिए ऐसा दिखा सकते हैं कि नाच रही शकीरा का चेहरा आपका है, या फिर जैक और रोज के सीन में रोज की शक्ल की जगह आप अपनी शक्ल भी लगा सकते हैं। लोग ऐसे कई वीडियोस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस ऐप के पीछे की कहानी क्या है, क्यों बनाया गया इसे, क्या चिंताएं हैं इस तरह की तकनीक को लेकर, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐप के बारे में। इसमें जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उसे डीप फेक कहते हैं। पिछले कुछ साल में ये तकनीक काफी ज्यादा डेवलप हुई है। देखने वाले चेहरे ज्यादा रियलिस्टिक होते जा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि पहले एनिमेशन की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ वो बेहतर होता गया। दिखने वाले सीन और ज्यादा रियल लगने लगे। कुछ कुछ वैसा ही समझिए। ऐप को बनाने वाली टीम के लोग यूक्रेनियन हैं, लेकिन ऐप का पूरा काम अमेरिका में हुआ है। पहले इसका नाम डुप्लीकेट हुआ करता था और पहले इस पर सिर्फ जिफ्स में अपना चेहरा लगाने का ऑप्शन होता था। इस साल जून में वीडियो जोड़े गए। अभी तक 2 करोड़ लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। ऐप को बनाने वाली टीम के CEO रोमन का कहना है कि इस ऐप के जरिए लोग अलग अलग तरह की जिंदगियां जी सकते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में स्पेशलाइज करने वाली साइट टेक क्रंच को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि रीफेस ऐप पर लोग अपना कंटेंट बनाकर खुद को उस कंटेंट में महसूस कर सकेंगे। रोमन ने कहा, मैं स्कूल में बास्केटबॉल खेला करता था, लेकिन एक चोट की वजह से उसमें करियर नहीं बना पाया। मुझे नहीं पता कि अगर मैं प्रो बास्केटबॉल खिलाड़ी होता तो मेरी जिंदगी कैसी होती, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर मेरे पास ये मौका होगा कि मैं देख सकूं कि मेरा बास्केटबॉल करियर कैसा होता। मैं कंटेंट को महसूस कर पाऊंगा और वो जिंदगी जी पाऊंगा। अब ऐप को लेकर लोगों में क्या चिंताएं हैं? इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसी विश्वसनीय फेक वीडियो खतरनाक साबित हो सकती है, इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे मामले पहले भी देखने को मिल चुके हैं, जब किसी महिला का चेहरा किसी पॉर्न स्टार के शरीर पर लगाकर वीडियो चला दिया हो। जर्नलिस्ट राणा अयूब के साथ ऐसा मामला कुछ समय पहले सामने आया था। इस तरह के वीडियो पहले बिना तकनीकी एक्सपर्टीज के बनाना मुश्किल था, लेकिन अगर ऐप के जरिए ये तकनीक आसान बना दी गई तो इसका गलत इस्तेमाल होने के चांसेस भी बढ़ गए। प्राइवेसी एक्सपर्ट अपूर्वा सिंह ने वॉइस इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ये ऐप डीप फेक्स को नॉर्मलाइज करता है और हर कोई उससे उपजने वाली चिंताएं नहीं समझता, क्योंकि हर किसी के पास इतनी समझ नहीं है डिजिटल की कि वो अंतर कर सके कि क्या असली है और क्या नकली। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि डीप फेक को पहचानना हर किसी के लिए आसान नहीं है। कई लोग ये मान लेते हैं कि अगर वीडियो क्वालिटी कम है या फिर वीडियोस में कुछ ब्लर हिस्सा दिखता है तो वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत की वजह से है। लोगों की चिंता ये भी है कि ऐप का इस्तेमाल कहीं डेटा चुराने के लिए तो नहीं किया जाएगा। अभी रीफेस ऐप किसी व्यक्ति की सेल्फी से उसके चेहरे को मैप करता है और उस चेहरे को दूसरे वीडियोस में लगाता है। इस पर ऐप बनाने वालों का कहना है कि अभी इस ऐप पर यूजर अपने खुद के वीडियो नहीं डाल सकते हैं। अभी जो वीडियो बन रहे हैं वो पहले से मौजूद सेलिब्रिटी वीडियोस का इस्तेमाल करके बन रहे हैं। इन्हें असली मानने की गलती नहीं करेंगे लोग। लेकिन जल्दी ही इस ऐप में यूजर्स के पास भी अपने वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। उससे पहले ऐप बनाने वाले क्रिएटर्स ऐसी तकनीक बनाना चाहते हैं जो ऐसे डीप फेक वीडियोस की पहचान कर सके। इस ऐप के CEO ने इंटरव्यू में कहा कि ये तकनीक पब्लिक के लिए तब ओपन की जाएगी जब ये श्योर किया जा सके कि फेक वीडियोस की पहचान आसानी से की जा सकती है। यही नहीं, द इंडिपेंडेंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक रीफेस की प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है, रीफेस ऐप आपके फोटोज और चेहरे के फीचर्स का इस्तेमाल नहीं करता सिवाय फेस स्वैपिंग फीचर का फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए। ये तस्वीरें वीडियो एडिटिंग के बाद 24 घंटे तक रीफेस ऐप के पास रहते हैं, उसके बाद डिलीट कर दिए जाते हैं। पॉलिसी के अनुसार आपके चेहरे के फीचर्स का जो डेटा है वो भी 30 दिन तक ऐप पर रखा जाता है और उसके बाद डिलीट कर दिया जाता है। ऐप के प्रवक्ता ने कहा, हम लोगों के चेहरे का इस्तेमाल विज्ञापनों को सॉर्ट करने के लिए नहीं किया जाता। रीफेस AI के लिए डेटा प्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण सामाजिक जिम्मेदारी है। डेटा का इस्तेमाल सिवाय चेहरे की अदल बदल के कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ऐप किसी तीसरी पार्टी को भी यूजर की जानकारी नहीं देता। रीफेस ऐप के मुताबिक इसमें फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल नहीं होता, केवल सेल्फी के सहारे वीडियो बनाए जाते हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारी साथी प्रेरणा ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लल्लन टॉप। लल्लन टॉप लटक शॉर्ट्स, यहाँ आपको मिलेगा किसी गवैये का गाना, हमारे है इश्क मस्ता।
जैसी मस्त मौला का इंस्ट्रूमेंट्स बजाना। किसी कवि की नाजुक कविता। देखो मैं तो बदलाव ही दूं पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है वो इश्क पर्सनल है थोड़ा। किसी मुंहफट कॉमिक की तीखी कॉमेडी और ऐसी ही ढेर सारी परफॉर्मेंसेस के छोटे छोटे शॉर्ट्स। दूसरों के हुनर देखें, अपने हुनर दिखाएं। फॉलो कीजिए लटक को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। अपनी परफॉर्मेंस हम तक पहुंचाने के लिए मेल कीजिए latak.lallantop@gmail.com पर। तो अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।